आम आदमी पार्टी से लखनऊ निकाय चुनाव प्रभारी शेखर दीक्षित हमारे साथ हैं, जिनको आज एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो लखनऊ जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। शेखर दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद आपको बहुत। एक और जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं ये जिम्मेदारी, कैसे निकाय चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और आगे क्या कुछ चुनौतियाँ देखते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी ने और आदरणीय संजय सिंह जी ने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और पूरा प्रयास हम लोग करेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर नतीजे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में दे पाए। अभी देखा गया है कि सारी पार्टियों ने अपने जो महापौर के सीट हैं वो डिक्लेयर कर दी हैं, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, कैसे देखते हैं अपनी कैंडिडेट को, कैसे जीत के मकाम तक पहुँचेंगे? देखिए, हमने भी जो है एडवोकेट अंजू भट्ट जी को महापौर प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, साथ ही हमारे लगभग सभी वार्डों के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। और अभी दिल्ली के जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री गण लोग हैं और माननीय सांसद संजय सिंह जी का, जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोकप्रिय चेहरा भी हैं, उनका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में और साथ में लखनऊ में गहनता से लगेगा, जिसमें रोड शोज होंगे, जिसमें कार्यक्रम होंगे, वार्ड टू वार्ड मीटिंग्स होंगी और नीचे स्तर पे वार्ड में तो सारे के सारे प्रत्याशी वैसे भी पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कारण एक और भी है कि लंबे समय से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा रही है नगर निगम में और पर कोई नतीजे नहीं दे पाई। आप देखिए तो वही टूटी सड़कें, आप देखिए तो वही भ्रष्टाचार। अभी आपने देखा होगा 53 करोड़ का एक भ्रष्टाचार कूड़े उठाने को लेके हुआ, आपने देखा होगा कि जीवाश्रय वाला भ्रष्टाचार, आपने सुना होगा कि 100 करोड़ के ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ था, आपने जो सीवरेज वाला काम चल रहा है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार हैं, गंदा पानी। आप नया लखनऊ छोड़ दे, पुराने लखनऊ में तो चलने को दुभर है। तो इन सब समस्याओं को लेके मुझे लगता है कि जनता विकास के नाम पे वोट करेगी इस बार, जनता इस बार जो है वोट नहीं करेगी जाति धर्म पर। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमने तेज़ी से विकास करा है, ट्रिपल इंजन की सरकार जनता फिर मांग रही है। अब जिस तरीके से अपराध है, जिस तरीके से हत्याएं हैं, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्याएं हैं, जिस तरीके से टूटी सड़कें हैं, किसी से छुपी तो है नहीं। आप आवारा पशुओं की समस्या देख लीजिए, आज दैनिक जागरण में मैं पढ़ रहा था आवारा कुत्तों की जबरदस्त समस्या है, जबकि नगर निगम इस पे 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्चा कर चुकी है। किस लिए खर्चा कर चुकी है? कुत्तों की नसबंदी के लिए। 20 करोड़ गए कहाँ? कौन से कुत्तों, कितने कुत्तों की नसबंदी कर दी जो आबादी नहीं घटा पा रहे हैं? तो बेसिक क्या है कि बातें करने में क्या, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, थोड़े दिन बाद कह देना बोगी है ही नहीं, इंजन एक सरकार है। तो इससे कुछ लुभानी बातें करके विश्वगुरु बन जाना या कुछ और बन जाना, तो मुझे नहीं लगता इससे विकास होता है और विकास के लिए काम करना पड़ता है। काम करना हो तो दिल्ली जाएं, पंजाब जाएं और आम आदमी पार्टी के वर्कर से सीखें कि असल में जाति धर्म छोड़ के भी काम कैसे किया जाता है, तो उनको शायद समझ में आएगा कि विकास भी करा जा सकता है और कैसे। दिल्ली की तर्ज पे आप उत्तर प्रदेश में उतरे हैं निकाय चुनाव पे, क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है क्या उसका माइंड सेटअप थोड़ा अलग है दिल्ली और पंजाब के मुकाबले? देखिए, जनता को आपको अपनी बात समझानी होती है, बट नेचुरल है कि माइंडसेट हर जगह के लोगों का अलग अलग होता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का, जैसे कि हमने एक वादा भी किया है, आम आदमी पार्टी ने का पहला वादा है कि हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ करेंगे, तो हम इसी तरीके से और भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपका नारा भी है हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ करेंगे, तो इस नारे का, इन वादों का क्या उत्तर प्रदेश की जनता पर असर पड़ेगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप देखिए, हाउस टैक्स में लगातार भ्रष्टाचार वसूली इतनी बुरी तरह से है कि आप सारे नगर निगमों में, आप कानपुर चले जाइए, मेरठ चले जाइए, आप देखेंगे कि जितने का घर नहीं उससे ज़्यादा का उस पर हाउस टैक्स है। क्यों है? क्योंकि उस पर कर पे कर, चक्रवर्ती पे ब्याज, चक्रवर्ती फंसा रखा है उन लोगों को, तो जनता को राहत तो मिलेगी। अब लेकिन जाति और धर्म जनता ना देखे तो अच्छा है। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि आप जाति धर्म छोड़ के विकास के नाम पे वोट करें। नगर निकाय का चुनाव है, सफाई का चुनाव है, झाड़ू वालों को ये दें, झाड़ू वाले इसको बेहतर से करेंगे। हमारी पार्टी के लिए ठीक लोकसभा से पहले निकाय चुनाव कितनी अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है।
और लोकसभा से पहले निकाय चुनाव होता है और हमको नीचे तक बिल्कुल बेस तक वार्ड तक बूथ तक तैयारी करने का और उस तैयारी के आधार पे अनुभव का भी अभी एक मिल जाएगा अवसर और हम समझ पाएंगे कि हमको क्या अच्छा करना है, कम कैसे और आगे इसको बेहतर करेंगे इसका हमें पूरा और हमें लूप्स भी मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पे खामियां हो रही हैं, कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे बुरा किया है, कितना हमारा वर्कर्स नीचे एक्टिव है, कितना डे एक्टिव है, सारी जानकारी हमारे पास आ जाएंगी। तो ये मान के चले कि आने वाले समय में जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देंगे? हाँ बिल्कुल, और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा, सभी को चुनाव अच्छे से लड़ाया जाएगा और जितने कम खर्चे में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है शायद देश में कोई पार्टी लड़ नहीं सकती है और जितने कम वक्त में लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी ने जीता है ये भी मुझे नहीं लगता इस देश में अभी कोई जीत पाया है। एक आखिरी सवाल शेखर जी आपसे ये है कि भाजपा दावा कर रही है कि 17 महापौर की सीटें हैं उसमें से 17 ही जो है वो भाजपा जीतेगी, आप लोगों को क्या कुछ दावा रहेगा? अब देखिए भाजपा का क्या है, वो लोग तो भाई पूर्व वैज्ञानिक हैं, वो सब जानते हैं, उनको तो हो सकता है भाई चुनाव होने से पहले नतीजे भी पता हों, वो ये भी जानते हो कौन प्रत्याशी कितना वोट पाएगा। अब वो लोग तो महान लोग हैं भाई, छोटे आदमी तो है नहीं कोई, मतलब अब महापुरुष कहिए, महाजादूगर कहिए, महाफ्राडिया कहिए, महाफरेबी कहिए, तो उनको कुछ भी पता होगा, उनके पास अपने सोर्सेस हैं, तो भाई हम तो नहीं बता सकते हमारे प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, ऐसा ऐसी कोई फार्मूला हमारे पास तो है नहीं। अब मोदी जी के पास जब नाले से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी है और उससे चाय बनाने की टेक्नोलॉजी है तो ये भी टेक्नोलॉजी होगी, सबका वोट वोट जान लेते होंगे। ठीक है, बसपा और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम से नगर निगम के चुनाव कराने का बहिष्कार करा है, उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है कि बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, कि आम आदमी पार्टी स्टैंड करती है उनके इस बयान के साथ? देखिए हमारा ये मानना है कि अगर अनियमितताएं होती हैं तो उस पर बात होनी चाहिए और उस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए और अगर सभी विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे हैं तो उनको इस पर सोचना भी चाहिए। और लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा ईवीएम को लेके कहीं रोया है नहीं, हमने तो हमेशा का हम काम करते हैं, काम के आधार पर वोट लेते हैं, काम के आधार पर हमने वोट लिया भी है और आगे भी हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे, काम के आधार पर हमको वोट मिलेगा। अब ईवीएम एक फैक्टर तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है बिल्कुल ईवीएम हटा देना कोई सोल्यूशन है। आप ईवीएम भी रखिए और साथ में वीवीपैट भी रखिए और कराइए और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ लखनऊ आम आदमी पार्टी से लखनऊ जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान लखनऊ।